आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी आका है, यहाँ का सब मोह माया त्याग के खटाखट निकल लो, ठीक है, वरना वहाँ देर हो जाएगा। चलो चलो बैठ 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 बैठो, सवा सवा सारा सामान गाड़ी में रखवाए दिए एकदम, बैठो बैठो निकल लो। हाँ अबे स्टार्ट कर। प्रेम करते हैं दिल से, तमीज तमीज मेरा, ये वो लड़की है जो तुम्हारी भावज होने वाली है, उसको तू देखेगा ना तो पास से जमीन में गड़ जाएगा। अरे पगला, तुमको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये वो लड़की है जिसको हम बाबा के लिए पसंद किए हैं, इसको हम बाबा के लिए अपने घर में बहुरिया बना के ला रहे हैं, समझा? क्या बात है, मीरा हमारे दिल में है, फिलहाल हमारा दिल तुम तोड़ दीस हो, लेकिन एक बात कहेंगे, सातिर बने में तुम बाबूजी को भी बहुत पीछे छोड़ दीस हो, मतलब प्रतिज्ञा को अपना रास्ते से हटाए भास्ते के लिए तुमने उनका ही बलि चढ़ा दीस। किसी न किसी का तो बलि चढ़ाना ही था ना, बारी प्रतिज्ञा का सही। मैडम ने ना, मास्टरनी ने हमारे बाबा और हमारे घर को बहुत नुकसान पहुंचाया, रह सकते हैं बलि से ही सब सुधरेगा। कृष्णा जी बहुत अच्छा किया, मतलब बला टली अच्छा किए, वो चले गए का अच्छा किया? अरे वही आदर्श जी बड़ा हीरो बन रहे थे, आपका प्रतिज्ञा जी के बीच में जो तूफान है ना, वो तूफान चला गया, शांत हो जाएगा और देखेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में। खैर ये सब छोड़िए ना, आप जानते हैं आज का दिन है, आज अखा तीज है, और ई तीज खास का है, पता है? आज के दिन ई तीज में 100 साल बाद एक बहुत शुभ मुहूर्त आ रहा है, और जानते हैं मुहूर्त पे का हुआ था? भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का शादी हुआ था, और आप तो दोनों का प्रेम कहानी के बारे में जानते ही हैं। शिव जी ना संसार के सबसे बड़े प्रेमी थे, इन्हें तो सारी औरतें उनका ही पूजा करती हैं ताकि उनके जैसा कोई पति मिले, और आप भी शिव जी जैसे कम थोड़ी हैं, आप भी शिव जी के जैसे ही हैं, आप भी तो अपने पति से कितना प्यार करते हैं, कौन सी लड़की नहीं चाहेगी कि आप जैसा पति उनको मिले। इन्हें तो कहते हैं कि प्रतिज्ञा जी बहुत खुश नसीब है कि उनको आप जैसा पति मिला है, बस आप दोनों के रिश्ते को ना आदर्श नाम का नजर लग गया था, लेकिन आप फिकर मत कीजिए, वो नजर को अच्छे से उतार देंगे हम। तो मतलब? अरे मतलब ये कि हम सुने हैं आज के दिन मुहूर्त के वक्त अगर दो प्रेमी एक दूसरे को माला पहनाएंगे ना, तो उनका उनका रिश्ता 7 जन्मों तक रहेगा। रुकिए हम बताते हैं। ई लीजिए, ई प्रतिज्ञा जी को दे दीजिएगा, उनको अच्छे से ना तैयार कराकर ठीक 7 बजे और खुद भी तैयार होकर हमको शिव जी और पार्वती जी का मंदिर में मिलिए। अरे यार हमका कुछ नहीं करना है, और हमका प्रतिज्ञा को जाके कुछ भी नहीं देना है। अरे पता नहीं कौन सा आत्माओं के भीतर जाके बैठ गया यार,
हमारी कोई बात सुनती है क्या? ये सब मानेगी हमारी बात? उनका लगता है? अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते ही तो हम एक काम करते हैं, हम ना ही आपकी अम्मा जी को दे देते हैं। आपकी अम्मा जी प्रतिज्ञा जी तक पहुंचा देंगी। अब प्रतिज्ञा जी आपकी अम्मा जी को थोड़ी मना करेंगी, तो राजी हो जाएंगी ना। तो आप एक काम कीजिए, हम जाके देते हैं ही और आप तैयार होकर मिलिए हमको जल्दी। पीछे हटो, बाहर निकलो। बाबू बाहर निकलो, हमारा मन बाद में हल्का करना। यू बिना परमिशन के हमारे कमरे में कैसे चले आए? जिस तरीके से तुम हमेशा हमारे पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूमते रहते हो हमारा पल्लू पकड़कर, उसी तरह से करोगे तो हम तुम्हारे पास भागे भागे चले आएंगे। हम काल आए हैं तुम्हारे लिए। ये सब क्या है अम्मा? प्रतिज्ञा, हम जानते हैं कि तुम कैसे अपने दिल पे पत्थर रख के ये सब काम कर रहे हो। हालात चाहे कितना भी खराब हो, एक सुहागन के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि वो अपने जीते जी अपने सुहाग को अपने से अलग करे। और बाबा की जिंदगी के लिए तुमको एक और आखिरी काम करना होगा। बात कर रही है? हाँ हाँ हाँ, अरे हम झूठ काहे बोलेंगे? आप दाँत खाने का शौक है क्या हमको? अरे हम अपना आँख से देखे अम्मा जी को पूजा का थाली प्रतिज्ञा जी के कमरे में ले जाते हुए, और बिना किसी ना नुकुर के ना प्रतिज्ञा जी हाँ कर दी, कुछ बोली ही नहीं। अच्छा, हम बताए थे ना आपको, जितना भी बुरा नजर लगा है सब दूर भागने वाला है अब दोनों से। और आप बेकार का टेंशन लिए बैठे थे और डर रहे थे प्रतिज्ञा जी से। पता है प्रतिज्ञा जी एक को सवाल नहीं किया अम्मा जी को। हाँ अभी काम कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए। और देखिए आज भड़का वाला दिन है, हम नहीं चाहते कि आप प्रतिज्ञा जी को भेंट कराएं और वो गुस्सा हो जाए। हाँ। और दुल्हा जैसा रेडी होके आइएगा एकदम लंदन टॉप स्टाइल में। अरे यार तुम मतलब फिकर ही ना करो, ऐसा गजबे सरप्राइज देंगे ना प्रतिज्ञा, हमको देख के पता क्या कहेगी? कृष्णा एक बार फिर से शादी करते हैं ऐसा। तुम बाहर वेट करो, हम फिर तैयार हो जाए। शुरू होने वाला, जल्दी आइए। अरे अभी अभी बस बिल्कुल। लियो फटाफट तैयार होके आए गए, ठीक है? कहाँ हुई कबा? कहाँ सोच लगी यार, क्या तबियत पानी ठीक है कि नहीं? हाँ वो देर हो गया, चलेगा? एक मिनट, हमका समझ में नहीं आ रहा है कि अब तुमका थैंक यू कैसे कहें। यार ये सब जो तुम की हो ना हमारे लिए, मतलब हमका नहीं समझ में आ रहा था कि प्रतिज्ञा का मनाए कैसे। बाकी तुम अम्मा को जाके बोली और जो कुछ भी की ना यार, हमारी सारी समस्या हल हो गई यार, दिल से जो है थैंक यू है। बाकी हम तो यार मूर्ख है, पता नहीं तुमका बिना सोचे समझे काका कह दिए ना, अब हमने अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा है। हमरा तुम्हारा मन दुखाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अच्छा ये मतलब तुम हमरा जैसा है? बढ़िया है यार, लेकिन सच्ची बता रहे, मतलब तुम यार हमका और प्रतिज्ञा का मिलाई हो यार। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे तुमका भी मिलाए थे तुम्हारे जीवन साथी से, मतलब जैसा भी तुमका चाहिए हो मिलाए थे। अब हम आपको कैसे बताएं कि भोलेनाथ से आप हमारे लिए खुद को ही मांग रहे हैं, जो हो ही नहीं सकता। काहे कि आप ही हमरे प्यार हैं, आप ही हमरे भगवान हैं। अरे यार तुम बार बार कहाँ सोचती रहती हो यार, चलना नहीं का? बस यही कहना चाहते हैं कि आपका हंसी आपका मुस्कुराहट देख लिया, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हम बस यही सोच के खुश हैं कि हम आपके छुटका सा खुशी का जरिया बन सके, और क्या चाहिए हमको, और कुछ भी नहीं। अब चले? अरे चलो, हम तो कह रहे पहले बहुत देर हो रहा है यार, चलो चलो। अरे यहाँ नहीं खेल सकते, आइए। बावले हो गए खुशी के मारे। अरे ये तो धोती कुर्ता वाला गौरव हमरो बहुत सुंदर। अरे अम्मा शक्ति में कोमली का, अरे इतना तैयार भी यार हो गए का यार,
कोनो मतलब निमंत्रण निमंत्रण में जा रहे हो क्या? कितना अच्छा लग रहा है रे बाबा। माँ पर तुमको ऐसे खुश देख के ना कितनी खुशी हो रही है। तुम्हारी खुशी से बढ़ के ना और कोई खुशी नहीं है हमारे लिए। अरे तुम्हारे प्रतिज्ञा के लिए इतना बड़ा दिन है, तुमको क्या लगता है कि तुमको और प्रतिज्ञा को ऐसे ही जाने देंगे अकेले? अकेले हम सब नहीं जाएंगे, कब तैयार हो के? हाँ पापा, कितना मजा आने वाला है। आपकी और मम्मा की दोबारा शादी होने वाली है, पर कृति दीदी यहाँ नहीं है, वो ये सब मिस करेगी। बाबा एक बात बताओ, कब पगलाए गए हो काबे? मतलब ये सब नौटंकी का है? अबे ये जन्म में ही मास्टरनी का ज्ञान कम पड़ गया था का, जो अगले 6 जन्मों के लिए भी एडवांस बुकिंग करा ली सो? का पागलपंती है बाबा, एक अच्छा सा लड़की ढूंढो, घर में लाओ, ताकि पूरा घर में भी रौनक रहे। हैं, अच्छा मौका है, उनका फायदा उठाओ। हमका एक बात बता सकते हो तुम? तुम्हारे मतलब पॉकेट वॉकेट है का कुछ? ये कौन बात हो गई? हाँ है, है ना, ये अपना ज्ञान जो है पॉकेट में रखो, हमका ना बताओ। अरे तुमका ये सब समझ में नहीं आएगा का? तुम कभी दी हो का? नहीं मतलब भौजाई को वो जगह दी हो, वो इज्जत दी हो, प्रेम अम्मा कभी दिए का? फिर इनका क्या समझ में आएगा? अरे तुम्हारे लिए नहीं है ऐसा, ये औरत जो है कोनो कुल्लर नहीं है कि चाय का चुस्की ले फेंक दिया, ऐसा ना है। औरत जो है ताबीज होता है, आदमी बांध के खुशहाल रहता है जिंदगी भर। तुम जाए दो सच भाई, तुम रखो शांति, तुमका नहीं समझ में आएगा। ठीक है ठीक है, तुम अपना ना ताबीज के साथ खुश रहो, देखते हैं। ये सब क्या चल रहा है अम्मा? क्या गड़बड़ घोटाला है? तुम काहे लिए इतना खुश हो रही हो? तुम तो कह रही थी बाबा और प्रतिज्ञा अलग होए वाले हैं, और ये तो अपना और प्रतिज्ञा का जौन बंधन है, ऊपर सीमेंट लगाए के अगले 7 जन्मों के लिए पक्का करे जा रहा। आम में बौराया नहीं कि तुमको आम खाने की पड़ी, इंतजार कर, देखते जा। चलो सब जल्दी, लेट हो रहा है। ए मीरा, अरे तुम कहीं आई सक जाके तैयार कहीं नहीं हो रही हो यार? जाओ जाओ। हाँ हाँ मीरा, जा जा जा, तैयार हो के आ जा। चलो चलो चलो। इका देखो, डॉल वाला भी सब आ गया है। बाबा तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और हम सबको भी खुश होने का देख मौका मिला है। और इससे जाएंगे बारात जैसा लेके कि प्रतिज्ञा को लगे कि बाबा फिर से बारात लेके आया है। खूब नाचते गाते ढोल बजाते, बहुत बढ़िया। ए अम्मा, कितना अच्छा होता ना कि अगर आदर्श भी यहाँ होता तो ऐसे शुभ मुहूर्त पे हम दोनों भी ना बरमाला बदल लेते। तो तू कहा है आदर्शवा करती रहती है। तुमको नहीं समझ में आया कि वो एक कोरति प्रेम नहीं करता है तुमसे? जानते अम्मा कि नहीं करता हमसे प्रेम, लेकिन अगर जबरदस्ती उससे शादी कर लिए तो फिर कौन का ही कर सकता है, बताओ ना? काहे जबरदस्ती करेगी? सबका दिन आता है ना कोमलिया, तुम्हारा भी आएगा, चिंता मत कर। चल अभी बाबा की खुशी में हम लोग शरीक होते हैं, नाचते नाचते। भाई ये लो, क्या तुम पकड़ो, अमरी तो भगवान सुन लिए।
अम्मा देख रही हो हर बहू कितना सुंदर लग रही है, एकदम बवाल काट रही है। एकदम बवाल क्या बात है अम्मा, तुम तो सूरजमुखी की तरह खिल रही हो। इन दोनों को अगर अलग ही करवाना था तो आज ही त्योहार वाले दिन ये ढोल नगाड़े मंगवाए के इनका मिलन समारोह काहे लिए करवाए रही हो। जगह दी है अपना भाई जैसा समझे तुमका जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे तुमका। कृष्ण रुक जाओ, पागल हो गए हो क्या? अरे कौन सा बेहुदा पति अपने पत्नी का ऐसे देखेगा तो बर्दाश्त करेगा, या तो इका सर फोड़ेगा या खुद का फोड़ लेगा। असल आप क्या कह रही हो, तुम हो गई हो पागल? का है का हिसाब? असल ऐसे जाली इंसान का तो इका बचाओगी तुम, इका तरफदारी करोगी हमारे खिलाफ, मुकदमा चला लो हमारे खिलाफ और बचा का है? का ही बताओ सब का है? साड़ी माला पूजा पाठ है कहा है सब? क्या कर रहे थे? क्या चल रहा है? ऐसे हाथ में हाथ डाल के पत्ती से निकाल के मारे खुशियां से परिक्रमा ले रहे थे? का मतलब क्या बनता है? हमका हमका जवाब चाहिए, क्या चल रहा है? अम्मा जब तुम्हारे पास थाल लेके आई तुमका ये मुहूर्त का मतलब समझाई होगी, समझाई थी ना? ए ले बिना बहस के उनकी बात मान ली तुम यहां चली आई। बाकी तुमका समझ में आ रहा तुम का की हो तो हमका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमका बस ये समझ में आ रहा है कि सब तहस नहस कर दे। हमका रोक रही हो तुम? सला खुद का रोकने के बजाय हमका रोक रहे हो? का हुई का गवाह तुमका? का हुई गवाह? कुछ खा वाली हो, भूत चढ़ गवाह तुमने सर के ऊपर? क्या बोल रहे हो तुम? तुमका सही गलत कुछ समझ में आ रहा है? समझती हो तुम का की हो? हम कह रहे हैं इका निकाल के फेंको अभी के अभी, नोच के फेंको इका। तुम्हारी और हमारी इज्जत का ऐसे कबाड़ा नहीं करो, हम कह रहे हैं हम बोल रहे हैं। किस्ता, होश में आओ, आंखें खोलो अपनी, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता?
लगता है कि हमें आज की मुहूर्त की अहमियत नहीं पता है? ये सब कुछ हमारी बेवकूफी है। तो बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? तुमका क्या लगा यहाँ काहे लिए बुलाया? तुमका क्या लगा कि तुम ही आओ, आपस में एक दूसरे को माला पहनाओ, हमका ढोल बजा बजा के नाचेंगे? यही खातिर बुलाएगा तुमका? ये मुहूर्त 100 साल बाद आया है, और इसका मतलब जानती हो? आज ही के दिन जब दो लोग एक दूसरे को माला पहनाते हैं ना, तो वो लोग पहनाते जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम ये सब कुछ नहीं जानते, कि हमने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया? मतलब सच तो ये है कृष्णा कि आदर्श ही वो इंसान है जिसके साथ हमने सातों जन्म बिताने का फैसला किया है।